बालों की ग्रोथ अच्छे से नहीं हो रही है, बाल पूरी तरह से रूखे और बेजान हो चुके हैं, नेचुरल शाइनिंग बालों की खो चुकी है, तो मेहंदी को जिस तरह से मैंने भिगो के लगाया है उस तरीके से लगाइए, सब प्रॉब्लम आपकी खत्म हो जाएगी। दो स्पून आपको मेथी दाना लेना है और उसे ओवरनाइट सोक करना है, पानी में भिगो कर रख दीजिए। नेक्स्ट डे मॉर्निंग आपको इसे ग्राइंड करना है, एक फाइन पेस्ट आपको बना लेनी है। तो यहाँ मैं भिगोने वाली हूँ मेहंदी। नॉर्मली हमें मेहंदी जो सिंपल पानी होता है उसमें भिगोनी है, कि जैसे चाय या कॉफ़ी के पानी में नहीं भिगोनी है। और ये जो रेमेडी है और ये जो रेसिपी हम बनाने वाले हैं मेहंदी की, हमारे बालों के लिए एक खासकर हेयर ग्रोथ के लिए है। जो रुखे सूखे बाल होते हैं या मेहंदी लगाने के बाद बहुत टाइम बाल रुके सूखे हो जाते हैं और आपके बालों की अगर हेयर ग्रोथ नहीं अच्छे से हो रही है, तो मेहंदी के थ्रू आप आपके बालों की हेयर ग्रोथ कैसे बढ़ा सकते हैं, ये आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ। इसमें क्या क्या ऐड करेंगे मैं आगे आपको दिखाऊँगी। फर्स्ट स्टेप है आपका, आपको इसे भिगोना है नॉर्मल वाटर से। आपके बालों को बहुत अच्छे से कंडीशन करती है और बहुत अच्छे से स्मूथ बनाती है, लेकिन इसे जो परफेक्ट वे होता है मींस अच्छी तरह से आपको यूज़ करना भी आना चाहिए। नॉर्मली बहुत सारे लोग ऐसे मेहंदी लगा लेते हैं, रूल्स फॉलो नहीं करते, बाद में बाल रूखे सूखे उनके हो जाते हैं, तो फिर सब ब्लेम वो मेहंदी पर डाल देते हैं। तो आपको मेहंदी अच्छी तरीके से लगानी भी आनी चाहिए, उसमें क्या क्या ऐड करना है ये भी आपको मालूम होना चाहिए। मेहंदी एक ऐसी चीज़ है, इसमें जो भी डालो वो खुद में अपना रंग दे देती है। तो इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और आपको इसे रखना है ओवरनाइट। सिर्फ आपको मेहंदी को ऐसे ओवरनाइट रख देना है। कि मेहंदी को अच्छे से मैंने मिक्स कर लिया है और हो सके तो ऑर्गेनिक मेहंदी यूज़ करें, जो जिसमें कोई मिलावट ना हो। ये मैंने ली है नूपुर मेहंदी, आप चाहे तो जो भी यूज़ करते उसे ले सकते हो। और इसे हम रख देंगे ओवरनाइट। आपको लोहे की कढ़ाई नहीं यूज़ करनी है, क्योंकि है हम हेयर ग्रोथ, हेयर शाइनिंग और हेयर जो रुके सूखे बाल होते हैं, डल बाल होते हैं, उसके लिए हम बना रहे हैं, हेयर कंडीशन के लिए बना रहे हैं। तो आपको लोहे की कढ़ाई में इसे रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसे हम रख देंगे ओवरनाइट। ये हमने भिगोई थी तो अच्छे से भीग चुकी है, या आप देख सकते हो। ओवरनाइट आपको इसे रखना है, अच्छे से भीग जाए तो इसे करना है ग्राइंड। चलिए इसे करते हैं। जैसे भीग चुकी है यहाँ आप देख सकते हैं, इसमें हम ऐड करेंगे जो मेथी दाना हमने भिगो के रखा था ओवरनाइट, उसे मैंने ग्राइंड कर लिया है। आप चाहे तो फाइन पेस्ट भी बना सकते हैं, मैंने इस तरह से इसे पेस्ट किया है। और जब आप नेक्स्ट डे आपकी मेहंदी भीग जाएगी, लगाने से पहले आधा घंटा लगभग आपको इसमें ऐड करना है मेथी दाना पेस्ट, और जितनी मेहंदी उसके हिसाब से आप डालिए। ओके, वन स्पून इनफ है। और इसमें हम ऐड करेंगे दही, वन स्पून लगभग मैं दही ऐड करने वाली हूँ। मेथी दाना और मेहंदी आपके बालों को बहुत अच्छे से कंडीशन करता है, हेयर ग्रोथ अच्छे से रखता है, बालों को स्मूथ शाइनी बनाता है और बालों का एक नेचुरल ग्लो, एक नेचुरल शाइनिंग आपके बालों पर आ जाती है। अगर मेहंदी के साथ आप इसको लगाते हो तो आप को इसका रिजल्ट खुद दिख जाएगा। अच्छे से इसे मिक्स कर लेना है। और जब आप मेहंदी भिगोते हो तब आप दही और मेथी दाना मत भिगोइए, उसके नेक्स्ट डे या आप 4-5 घंटे के बाद आप इसे इसमें मिक्स करिए। अब इस पेस्ट को हम 10-15 मिनट लगभग मीन्स आधा घंटा ऐसे ही छोड़ देंगे, ताकि जो मेथी दाना है, दही है, अच्छे से मेहंदी में मिक्स हो जाए। ये बहुत अच्छे से आपके बालों पे कंडीशन का काम करता है, आपके बालों पे एक नेचुरल शाइन आ जाती है। जो नॉर्मली मेहंदी लगाने के बाद बाल रुके सूखे हो जाते हैं, बहुत सारे लोगों की कंप्लेंट्स होती है कि मेहंदी लगाने के बाद बाल रुके सूखे हो जाते हैं, तो इस तरह से अगर आप लगाओगे तो कलर भी बहुत अच्छे से आएगा और आपके बाल बहुत अच्छे से कंडीशन हो जाएंगे, हेयर ग्रोथ बहुत अच्छे से होगी। आपको लगभग 45 मिनट्स या एक घंटा इसको लगा के रखना है और आपको इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा मिलेगा। मंथ में आप कम से कम इसे 2-3 बार यूज़ करिए जब आपको टाइम मिलता है। अगर आपको कलर चाहिए तो इसमें दूसरे कुछ इंग्रेडिएंट्स भी आप ऐड कर सकते हो और आपको वो कलर भी मिलेगा, साथ ही में मेथी दाना और दही के वजह से आपके बालों की ग्रोथ भी बहुत अच्छे से होगी, बालों पे एक नेचुरल शाइन आएगी, बाल झड़ना, बाल का हेयर फॉल होना बिल्कुल बंद हो जाएगा और स्काल्प की जितनी भी प्रॉब्लम्स होती है, इचिंग, डैंड्रफ, सब खत्म हो जाएगी, स्काल्प एकदम क्लीन हो जाएगा। अब ये लगाने के बाद नेक्स्ट डे आपको शैम्पू करना है, या आप
एक घंटे के बाद भी आप शैम्पू कर सकते हो, क्योंकि ये मैं फिलहाल कलर के लिए नहीं यूज़ कर रही हूँ, बालों को कंडीशन करने के लिए, बालों को जितना भी डैंड्रफ है और ग्रो के लिए मैं ये कर रही हूँ। और इसके यूज़ से बाल सही में सिल्की शाइनी हो जाते हैं, मैनेजेबल हो जाते हैं, तो आप भी इसे ज़रूर ट्राई करिए। इसे लगभग आधा घंटा इसे मैं छोड़ देती हूँ। मेथी दाना की पेस्ट और दही को मिक्स करके मेहंदी को आधा घंटा या 20-25 मिनट आप ऐसे ही छोड़ दीजिए। बाद में आप जैसे हेयर पैक लगाते हैं या मेहंदी लगाते हैं वैसे आपके बालों पे लगा लीजिए। इसके यूज़ से आपके बाल तुरंत ही सिल्की हो जाएंगे, शाइनी हो जाएंगे, मैनेजेबल हो जाएंगे और एक नेचुरल शाइनिंग आपके बालों में आ जाएगी। कलर तो आएगा ही क्योंकि इसमें है मेहंदी, वो भी हमने ओवर नाइट भिगोई है, तो इसकी वजह से कलर तो आता ही है, लेकिन बालों का जो शाइनिंग होती है बहुत अच्छे से आती है, बालों को बाल हेल्दी होते हैं। साथ ही में मेथी दाना होने की वजह से ये जो पैक है आपके जड़ों तक जाता है और आपके बालों की ग्रो बहुत अच्छे से होती है। आप इसे वीक में दो बार भी यूज़ कर सकते हो, क्योंकि ये आपको आपके बालों को 45 मिनट्स या 1 आवर तक ही रखना है, ज़्यादा टाइम या 2-3 घंटा जैसे हम मेहंदी लगा के रखते हैं वैसे नहीं रखना है। एक घंटे में ही आपके बालों पे कलर आएगा। अगर ज़्यादा ग्रे हेयर है तो इसमें आप कुछ अलग इंग्रेडिएंट्स ऐड करिए ताकि आपके बालों पे बहुत अच्छा सा कलर आए। अगर नहीं है, नॉर्मल काले बाल है, बालों को कंडीशन करना है, स्मूथ शाइनिंग करना है, तो इस तरीके से अप्लाई करिए, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर देना। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।